खबर अगर अफवाहों से शेयर के भाव में तेज उठा पटक देखने को मिलता है तो जल्द ही कंपनी के अधिकारियों और डायरेक्टर्स को इसका जवाब देना होगा सीबी ने अफवाहों की पुष्टि पर कंसल्टेशन पेपर जारी किया है पूरी डिटेल के साथ हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा जुड़ गए हैं अंकुर बताइए क्या खबर है और यह फैसला क्यों लिया गया है जी हा सेबी ने मार्केट वेरिफिकेशन ऑफ रूमर्स में एक जो सर्कुलर था वहां पे कुछ चेंजेस प्रपोज किए हैं और जो सबसे बड़ा यहाँ पर चेंजेस प्रपोज हुए हैं वो है मटीरियलिटी ऑफ इवेंट्स की जगह मटीरियलिटी इन टर्म्स ऑफ प्राइस मूवमेंट चेक किया जाएगा मतलब ये कि न सिर्फ uh, जो जो भी रूमर मार्केट में चल रहा है या कोई खबर है जिसका uh, उस स्टॉक पर्टिकुलरली असर हो रहा है वो मटीरियलिटी ऑफ इवेंट से डिफाइन नहीं होगा बल्कि उसमें प्राइस मूवमेंट कितना हुआ uh, क्या वो बेंच बेंचमार्क uh, के हिसाब से अगर कंपनी को वेरीफाई करना होगा तो ये क्राइटेरिया सजेस्ट किया गया है इसके अलावा सजेशन ये भी दिए गए हैं कि अगर कोई बड़ा स्टॉक है जिसमें ऑलरेडी प्राइस बहुत ज्यादा है ज्यादा मान लीजिए वो दो या तीन हजार रुपए का उसका प्राइस है तो उसका थोड़े से परसेंटेज में भी इन टर्म्स ऑफ नंबर काफी बड़ा मूवमेंट हो सकता है इसी तरीके से कोई छोटा स्टॉक है तो वहां पर परसेंटेज बड़ा हो जाएगा छोटे मूवमेंट पे भी तो ये सारे बिंदुओं पर जो फाइनल कंसल्टेशन पेपर आएगा उस पर गौर किया जाएगा जो एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फोरम बनी थी उसने ये सजेशन दिए हैं इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फोरम जिसमें फिक्की के लोग थे उन्होंने सेबी को सजेस्ट किया था कि किस तरीके से ये जो सर्कुलर है जो पहले सेबी लेके आया था वो इंप्लीमेंट कैसे हो वहां पर ये सजेशन दिए गए हैं अब इस कंसल्टेशन पेपर पर इंडस्ट्री के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अपने कमेंट्स देंगे और उसके बाद फाइनल आपको एक सर्कुलर आता हुआ देख सकता है कि जो कंपनीज़ कंपनीज़ हैं, हैं, लिस्टेड वो किस तरीके से मार्केट में जो रूमर्स चल रहे हैं उसको वेरीफाई करेंगी। ठीक है शुक्रिया अंकुर तो निश्चित तौर पर बाजार के जो निवेशक हैं, जो ट्रेडर्स हैं उनके हित में एक ही ये बहुत ही एक सही फैसला साबित होगा